हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा है। और इस फरवरी महीने की ये प्रार्थना है कि प्रभु इस फरवरी महीने में हमें ब्लेस करे, हमें आशीष करे, और निश्चय है प्रभु हमें इस महीने में और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा ब्लेस करेंगे। लेकिन कुछ बातों पर आज हम विचार करेंगे। पहला कि हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगेंगे कि प्रभु जी हम पर आपका अनुग्रह है और बढ़े और बताई से अनुग्रह हमारे ऊपर आने पाए, क्योंकि जब अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया। दूसरी कि प्रभु के नाम से हमारे जो क्लेश है वो हमारे ऊपर से क्लेश दूर होने पाए, परमेश्वर निश्चय हमारे क्लेशों को दूर करेंगे और हमारे दुखों को दूर करेंगे प्रभु, और हमारे कष्टों को दूर करेंगे परमेश्वर, और हमारे पापों को दूर करेंगे परमेश्वर। मैं हमेशा महीने की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ, निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे। लेकिन ये कुछ जरूरी बातें, इन पे हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे इन बातों के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसी आशीष दे सके। हालेलुया। और प्रभु महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। अगर वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 26 की 16 में लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला हूं। हालेलुया। आज आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करें। जब प्रभु का अनुग्रह हमारे पर होगा हम बहुत ऐसे आशीष को पाएंगे, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम पर अनुग्रह नहीं, हम खाली हैं। परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से आज कहें कि प्रभु मुझ पर आपका अनुग्रह होने पाए। हालेलुया। दूसरी बात कि तुम मुझको प्रभु आशीष दे, क्योंकि जब अनुग्रह आएगा तब हम आशीष को पाएंगे। इस महीने में कहें परमेश्वर से कि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर होने पाए, मेरे बच्चों पर होने पाए, मेरे बिजनेस पर होने पाए, मेरे आने वाले कल पर होने पाए। हालेलुया। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तुम मुझको मेरे दुखों में से छुड़ा ले। लोगों का क्लेश बढ़ चुका है, घर की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, बहुत सा क्लेश, मुझे मौला ने बता भी नहीं सकता और इन लोगों घरों में चल रहा है ऐसा क्लेश। इतने दुख आ गए हैं, दुखों ने हमें घेर लिया है। आज आप प्रार्थना करें इस फरवरी महीने में कि प्रभु मेरे ऊपर से क्लेश हमेशा के लिए हटाया जाए, मेरे परिवारों के ऊपर क्लेश हमेशा के लिए हटाया जाए, मेरे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, जो क्लेश है वो हटाया जाए प्रभु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके क्लेश को हटाने वाले हैं। हालेलुया। लिखा कि मेरा क्लेश बढ़ गया है, और बहुत से ऐसे लोग जिनका क्लेश बढ़ चुका है, पहले कम लड़ाई झगड़ा होता था, बढ़ता बहुत सारा बढ़ गया है। हालेलुया। लिखा कि तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर, मेरे जो दुख हैं और जो मेरे पर कष्ट हैं प्रभु दृष्टि करें। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे दुखों की ओर नहीं देख रहे हैं, हमारे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे संग है, जो हमें बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं। आज आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मेरा दुख और कष्ट पर दृष्टि करो, मेरा दुख दूर होने पाए, मेरा कष्ट दूर होने पाए प्रभु के नाम से। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु जी मेरा दुख दूर होने पाए, मेरा कष्ट दूर होने पाए, मेरे सब पापों को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे पाप मिटाए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे दुख दूर किए जाए, आज मेरे कष्ट दूर किए जाए, आज मेरा क्लेश दूर किया जाए, आज मेरा अकेलापन दूर किया जाए। मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर टूटा रहता हूँ, अंदर ही अंदर मैं व्याकुल रहता हूँ, चिंताओं में, परेशानियों में, संकटों में मेरा क्लेश बढ़ गया है मेरे प्रभु, मेरे पे कृपा दृष्टि करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कहीं आज परमेश्वर से कि प्रभु मेरे शत्रु बढ़ गए हैं और मेरी
प्राण की रक्षा करें। आप कहें कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं, मेरे परिवार के शत्रु बढ़ गए हैं, प्रभु जी मेरे प्राण की रक्षा करें, मेरे प्राण की रक्षा करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, देखने वाले परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे दुहाई को सुने मेरे पिता, मेरे परिवारों से, मेरे बिजनेस से, मेरे आने वाले कल से हर एक का संकट दूर होने पाए मेरे पिता। यह फरवरी का महीना मेरे लिए डबल आशीष का महीना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज मैं आशीष को मांगता हूँ मेरे पिता, मेरे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी बंधन आ रहे हैं, प्रभु के नाम से वो सब दूर होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। आज आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, कहें प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो इस फरवरी महीने में मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, मुझे बताई से ब्लेस करो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मुझे आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं दुहाई देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपकी सेवा करने पाऊँ, मैं जीवन भर आपकी सेवा करने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं जीवन भर आपकी सेवा करने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मुझे हर एक विपत्ति से बचाए मेरे पिता, मुझे हर गुप्त बीमारी से बचाए मेरे पिता, मेरे बंधन टूटने पाए मेरे पिता। मैं आपकी जय जयकार करता रहूँगा मेरे पिता, मेरा परिवार आपकी जय जयकार करता रहेगा। मैं जब भी आपको पुकारूँ मेरे पिता, मेरी प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपके दर्शनों का खोजी लगा रहूं मेरे पिता, मैं आपका खोजी लगा रहूं मेरे पिता, मैं आपके दर्शन का खोजी लगा रहूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मेरा उद्धार करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझे मेरा मार्गदर्शन करें मेरे पिता, मेरी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मैं बड़ी बड़ी आशय लेने पाऊँ मेरे पिता, मेरे जो भी काम रुके हैं मेरे पिता ये दौड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो मेरे घर में तंगी है मेरे पिता ये दूर होने पाए मेरे पिता, जो मैं आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं वो सब रुकावटें प्रभु के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी रक्षा करो मेरे पिता, मेरे परिवार की रक्षा करो मेरे पिता। हम आपके दुहाई देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम महान है, आप राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। आपका हाथ जोड़ के विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, किस महीने में मेरे पिता मेरा जीवन पहले जैसा ना रहे मेरे पिता, मेरा घर पहले जैसा ना रहे मेरे पिता, मेरे हालात पहले जैसे ना रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे घर में शांति होने पाए, मेरे घर में खुशियां होने पाए, मेरे काम काज में बढ़ोतरी होने पाए, मैं पहले जैसा ना रहूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे घर से हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन टूटने पाए, मेरे घर से बीमारी निकलने पाए, मेरे घर में ब्लेसिंग होने पाए, मेरे घर में अंधकार दूर होने पाए, मेरे घर से बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं जो भी कार्य करता हूँ, चाहे मैं रिक्शा चलाता हूँ, चाहे मेरा चाय का काम है, चाहे मेरे रेडी का काम है, चाहे मेरे क्यों भी मेरा बिजनेस बड़ा बिजनेस क्यों ना हो प्रभु, उसमें बढ़ोतरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, मेरे कामकाज में बढ़ोतरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने का धन्य हो तो नगर में मेरे पिता, हम हमारे इलाके में धन्य होने पाए मेरे पिता, लोग कहें कि मसीही लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, बल्कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका नाम ऊंचा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी बंधन जो आपको नाम को नीचा करने चाह रहे हैं मेरे पिता, वो हर एक बंधन को तोड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे शरीरों में से, मेरे परिवारों में से अंधकार जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, रुकावटें जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इस महीने में मेरे पिता जो उनके घर नहीं बन रहे हैं मेरे पिता, इनके घर बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस महीने में जो उनका लोन क्लियर नहीं हो पा रहा है, लोन इनका पास होने पाए मेरे पिता। इस महीने में ये केस से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस महीने में मेरे पिता इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता। इस महीने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु एक नई आशीष को पाने पाए मेरे पिता। इस महीने में ये और ज़्यादा आत्मिकता में बढ़ने पाए मेरे पिता। इस महीने में और ज़्यादा फलवंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस महीने में मेरे पिता इनके हर एक रुकावटें दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस महीने में मेरे पिता ये बड़े बड़े आशय लेने पाए मेरे पिता, या आपके आत्मिक जीवन जीने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस महीने में ये बहुत सफलवंत होने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। इस महीने में जिन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है,
वो पवित्र आत्मा से भरने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस महीने में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये पवित्र आत्मा के मस्सा से भरने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु आप महान ही अपराधियों का राजा हैं प्रभु का प्रभु है मेरे पिता। इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, इनका बंधन टूटने पाए। ये राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सृष्टि का करता मेरे पिता। इनके बंधन टूटे, इनके बंधन टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता। इनके बीच में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत ब्लेसिंग होने पाए इस फरवरी महीने में मेरे पिता। ये जो मांग रहे हैं इनके लिए पूरा होने पाए, ये जो भी आशय मांग रहे हैं वो पूरी होने पाए, ये जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजो और इनके जीवन में वो पूरा होने पाए मेरे पिता। इस तरह मेरे पिता आपने पत्रस को मेरे पिता अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पत्रस को बचाया था मेरे पिता। ऐसे ही स्वर्गदूतों को भेजकर ये जो मांग रहे हैं इनका जीवन पूरा होने पाए मेरे पिता और ये बहुत तेईस आशीष को पाए, इनका जीवन मजबूत कार्य कर मेरे पिता। प्रभु इस फरवरी महीने में ये बहुत तेईस आशीष को पाए, इनका जीवन मजबूत कार्य करे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह में सुनते हैं, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपके जीवन मजबूत कार्य करें, आमीन।